सभी भक्तों को राधे राधे। इस बार निर्जला एकादशी आ रही है 18 जून 2024 मंगलवार को। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक महीने में दो एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। हर एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी एकादशियों का लाभ भी उठा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न और जल कुछ भी ग्रहण करने की मनाही होती है। ऐसे में इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु की शेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पाया है, वो निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उन सभी 24 एकादशी का फल पा सकता है। एकादशी के पारण का समय होगा 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:15 से 6:50 तक। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत संकल्प के साथ करें। निर्जला एकादशी का व्रत बिना भोजन और पानी के रखा जाता है। इस व्रत में पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण पूरे नियम के साथ किया जाता है। व्रत पारण करने वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल दें। द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने से पहले व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगें। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य को जल अर्पित करने और विष्णु जी की पूजा के बाद ही व्रत खोला जा सकता है। द्वादशी वाले दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही कोई अन्य चीजें खानी चाहिए। इस व्रत का पारण चावल खाने से ही होता है। व्रत खोलने के बाद चावल का दान करना भी शुभ माना गया है, इसलिए किसी जरूरतमंद को चावल व दक्षिणा जरूर दान करें। इस दिन दान को विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन दान करने से घर में संपन्नता आती है और कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। जून के महीने में प्रचंड गर्मी होती है और नर और नारायण की सेवा के लिए पीने की चीजों से बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन प्यासे लोगों को शरबत और पानी पिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन ठंडी चीजों का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसे में आप पानी, मिट्टी के बर्तन, घड़े आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन जल से भरपूर फलों और सब्जियों का दान करना चाहिए, जैसे आम, खीरा, लीची, तरबूज और खरबूजा आदि का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं।
निर्जला एकादशी के दिन बाल नहीं कटानी चाहिए और ना ही शेविंग करनी चाहिए। वहीं शास्त्रों में नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता छा सकती है, साथ ही मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। निर्जला के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, अगर आप देर तक सोते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं, एकादशी के दिन भूल कर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है और इनका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता है।